सर, कुछ भी दो कुछ नहीं दिखाई दे रहा सर। तो दिख रहे नहीं है। इधर आओ, तुम बैठो मत, इधर आओ। अपना पानी चुप कर, बस ट्रेलर दिखाएंगे इसके बाद। उसके बाद थोड़ी बात होगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि थोड़ा सा उस तरह का नहीं है। अजय कहाँ गए? अजय लाइट नहीं लगा। Movies.com के CEO हमारे साथ हैं, पीयूष जी, हरिशंकर जी, उनको एक बुके दे दीजिए। तो मैं आप सबकी इजाजत चाहूंगा, एक बार ट्रेलर देखते हैं, एक से दो बार में देख लेते हैं ट्रेलर, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। उधर से ऑन कर दे, हटा ले तो ऊपर मत कर। बस सर वेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, सर वेट, सर वेट। नीचे बैठ। अरे स्टील नीचे बैठो ना यार, हमको क्या मिलेगा। सुनील तो नीचे बैठ ना भाई। सबसे पहले तो जैकब को और पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई। बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है और जिस तरह के समाज में हम लोग, जिस हालात में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पर ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है कि मजहब ज़्यादा ज़रूरी है या पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ज़रूरी है, प्यार ज़्यादा ज़रूरी है, मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है या मजहब ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक टकराव की स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, एक ऐसे समाज में जी रहे हैं कि जहाँ पर मजहब सारी चीज़ों के बीच में आके खड़ा हो गया है, वो कोई भी मजहब हो। और इस पे इतने सुलगते हुए प्रश्न को बहस के रूप में जैगम ने पर्दे पर डाला है। आशा करता हूँ कि ये बहस आगे बढ़ेगी और इस बहस से, बहस को बढ़ाने में इस फिल्म का बहुत बड़ा योगदान होगा और इस बहस का कुछ तो नतीजा निकले, कुछ अच्छा ही निकले, यही दुआ करता हूँ। थैंक यू। मैं ये इसी तरह की फिल्में करता हूँ। ये एक अलग कहानी है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मैं नहीं हूँ इसमें, मेरे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं देखिए, अच्छी फिल्मों का बड़ा अच्छा दौर इस मामले में है। इसको बनाने वालों की कमी नहीं है, इसमें काम करने वालों की कमी नहीं है और इसको आगे बढ़ाने वालों, प्रशंसकों की भी कमी नहीं है। तो एक अच्छे दौर में हम लोग रह रहे हैं
चाहे छोटा रिलीज ही सही, आजकल फिल्में रिलीज हो जा रही हैं, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि आक्रोश देखने के लिए या हर हम एक शो में आक्रोश लगी थी दिल्ली के एक ऐसे सिनेमा हॉल में जो हमारी यूनिवर्सिटी से कम नहीं भी तो 30 किलोमीटर दूर था। तो चार बस को बदल करके हम सुबह सुबह के शो में पहुंचे थे 9 बजे का शो देखने के लिए आक्रोश। तो वो समय और आज का समय देखिए, उस तरह की सिनेमा को कितना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और कितने सारे लोग, आप जैसे लोग इकट्ठा होकर के ऐसे फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए, उसको पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और जो फिल्म अच्छी होती है उसके लिए आप लोग लड़ाई भी करते हैं, लोग लड़ाई करते हैं। और जहाँ तक और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जितने अवार्ड फंक्शंस है उन पे आप ही लोग प्रश्न उठाना शुरू कर दिए, क्योंकि अब आप लोगों का सबका, आप लोगों की रुचि या आप लोगों के सामने से जो अच्छा काम हो रहा है वो ऐसे ही नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छे काम या इस आलिफ जैसी फिल्मों के लिए जो जगह बनी है वो लगातार ये आंदोलन चलता रहे, ये जो एक कतार खड़ी हुई है वो कभी कम ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे मीडिया कर्मी जो हैं उनका सहयोग लगातार बना रहे, और जैगम और movies.com और शीला जैसे लोग लगातार इस तरह की मुहिम को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि एक्टरों की कमी नहीं है। एक्टर अच्छा काम करना चाहता है, उसे अच्छा काम देने वालों की नीयत की बात है। यहाँ पर नीलिमा जी कई सालों से काम कर रही हैं, सभी जानते हैं इनके बारे में, भावना है, ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, और अच्छी बात है कि इस तरह की फिल्में बन रही हैं और हम सबको काम मिल रहा है। तो आप लोगों का सहयोग लगातार बने रहे, बना रहेगा अच्छी फिल्मों की तरफ, हम यही चाहते हैं। आंदोलन हुआ है वो सोशल मीडिया के जरिए हुआ कि जो बात पहले छुपी रह जाती थी अब वो छुपी नहीं रहती। सोशल मीडिया पे लगातार हंगामा होता रहता है, सोशल मीडिया पे जो लोग सक्रिय हैं वो सवाल उठाते हैं, और जिसके कारण मीडिया जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है मीडिया, उन सवालों को फिर वो अनदेखा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए वो भी बहुत ही अहम है। तो आप लोग भी उन सवालों को आगे बढ़ाते हैं, इससे अच्छे काम होंगे। इससे आप एक जो हमारे हिंदुस्तान में कई सालों से एक संस्कृति बनी हुई है कि हम अच्छे काम को नज़रअंदाज कर देते थे, अब आप नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको चाहने वाले बहुत लोग हो गए हैं। जो लोग नज़रअंदाज करते हैं उनके ऊपर सवाल उठाने वाले आप लोग हैं, जनता है, जो सोशल मीडिया के जरिए हमला करती है, इसलिए हम लोग अभी काफी अच्छी स्थिति में हैं। तो ये उस जगह का एक्सपीरियंस है, वो सराउंडिंग, वो माहौल, वो वातावरण जो है, ये उसका एक्सपीरियंस है, उस तरह उसकी फिल्म है। और मेरी अपब्रिंगिंग या ये मैं उसमें बड़ा हुआ, तो वो चीजें आप ये कह सकते हैं कि शायद मैंने थोड़ा देखा हो, समझा हो, या मेरे अंदर वो चीजें आई हो, ये उस तरह की बात है। नहीं, देखिए प्रॉब्लम वाली बात है, प्रॉब्लम से डरेंगे तो फिर आप सिनेमा नहीं बना सकते। सिनेमा बनाना अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये आप भी जानते हैं, सबसे बड़ी बात है। खासतौर पर इस तरह का सिनेमा, जिस तरह सिनेमा हम बना रहे हैं, हम उस सिनेमा को बना के सामने ले आना पब्लिक उस पर प्लेटफॉर्म पर, ये बड़ी बात है। लेकिन इस तरह की भी कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। सिनेमा को व्यक्तिगत तौर पर मैंने पहले भी कहा था, मेरी पहली फिल्म आई तभी मैंने कहा था कि मैं सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं मानता, मैं सिनेमा को बहुत सेंसिटिव माध्यम मानता हूँ। जिस तरह एक जमाने में लिटरेचर बड़ी चीज थी, उस तरह सिनेमा बड़ी चीज है जिसमें कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जरूरी है कि इस तरह का सिनेमा बनाया जाए अवेयरनेस के लिए। नहीं, मुझसे बहुत लंबे चौड़े सवाल जवाब हुए। सेंसर बोर्ड बिल्कुल एक इंस्पेक्टर की तरह सख्त होता है, वो आपसे सवाल जवाब करता है। मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव रहा है, मेरी पिछली फिल्म में भी प्रॉब्लम हुई थी मुझे, लेकिन लंबे चौड़े सवालों के बाद, जवाबों के बाद फ्री। जी, अलिफ शुरू होते ही डरना नहीं, पढ़ना जरूरी। जी जी जी, अगर हम अलिफ की बात करें तो अलिफियत की बात शुरू होती है, हिंदी की बात करें तो छोटे हाथ की बात शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं आप ये हिंदू और मुस्लिम का कोई डिफरेंशिएशन है उसको बढ़ाना तो नहीं चाह रहे? जी नहीं, आप इसके लिए ये सवाल का जवाब आपको फिल्म देगी,
ये फिल्म सिनेमा जो होता है एक सोच को अभिव्यक्त करता है, ये सिनेमा उस सोच को अभिव्यक्त करता है। आपने अभी सिर्फ एक बात देखी कि एक बच्चे ने कहा कि ऐसा है कि उसकी सोच है, लेकिन उसकी सोच क्या सही है क्या गलत है, ये फिल्म आएगी तो सिनेमा आएगा तो आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। तो उसके लिए पूरी फिल्म का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। ये भाई ये जो आपने डायलॉग सुना वो बिल्कुल इस तरह की बात है कि आदमी मन में क्या सोचता है, जो मन में सोचता है वो होता नहीं जरूरी है, वो एक इस तरह की बात है। आप कह रहे हैं कि मैं बनारस में रहने वाला हूँ जी, और ये कहानी है तो किसी ने मुझे बोल लेके वो बॉम्बे तक पहुंची है, तो ये कहानी आपके जहन में कैसे आ गई? नहीं सर देखिए क्या है ना, जब इसका ट्रेलर देखा गया तो ट्रेलर बहुत अच्छा है जी, नो डाउट फिल्म बहुत अच्छी रहेगी जी, लेकिन हम पटकथा और कहानी की बात करें जी, तो कहानी की सोच कहाँ से और कैसे पैदा होगी? नहीं देखिए कहानी की सोच तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, मेरे दो, मैं हिंदी का उपन्यासकार भी रहा हूं, मेरे दो उपन्यास छप चुके हैं, पहले ही पब्लिश हो गए, मैं पहले आज तक न्यूज चैनल में काम करता था, लंबे समय से काम किया है। तो कहानी की सोच थी मेरी, ये सोच थी कि एक कहानी ऐसी बनाई जाए जिस जो कम से कम उन बच्चों को मोटिवेट करे, उन परिवारों को मोटिवेट करे जो शिक्षा को लेके उसको दोयम दर्जे का समझते हैं, एजुकेशन को या इस तरह से समझते हैं, ये कहानी उनके लिए है क्योंकि उनकी जिंदगी में एक हीरो चाहिए, तो ये कहानी उनके लिए हो सकती है जो ये समझ में आएगा कि भाई किसी भी कीमत पे जीवन में जीने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दुनिया एक बराबरी में नजर आएगी, अच्छी नजर आएगी। ये फिल्म उसी तरह का मैसेज है। एक सवाल भावना मैडम के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए भावना प्लीज। जी इंटरनेशनल सिनेमा तो नहीं किया लेकिन इंटरनेशनल थिएटर बहुत किया है, मेरा एक शो ब्रॉडवे म्यूजिकल टाइप है भारतीय, वहाँ पर बहुत काम किया है, तो इंटरनेशनल स्तर पे काम करके एक एक्सपोजर मिलता है, आप ट्रैवल करते हैं, आप अलग अलग कल्चर से लोगों को मिलते हैं और आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड, और वो एक्सपीरियंस आप यहाँ लेकर आते हैं, आप वर्ल्ड सिनेमा को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर आप आकर भारत में काम करते हैं, यू रियलाइज कि हमारा सिनेमा किसी और सिनेमा से कम नहीं है और एंड इट्स जस्ट एब्सोल्युटली एट पार विद एवरीथिंग एल्स। जी हाँ, मेरी प्रकाश झा जी की फिल्म ब्रॉड सैया ऑपोजिट अरशद वारसी शुड बी रिलीजिंग इन 2017। Okay, मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा आपने सुना है ना, और जब हम इस तरह का ट्रेलर, ट्रेलर इज रियली अमेजिंग, नॉट ओनली मी ईच एंड एवरीवन सिटिंग इन द प्रमाइसेस एग्री विद दिस। अब ये सेंसिटिव मुद्दा चुनने की कोई खास वजह, जब हम पैगाम की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि मेरी एक हर फिल्म एक मैसेज कैरी करती है, इससे पहले जो 2000 आई थी वो, और उसके बाद का जो आप लेके आ रहे हैं, और मैं जब मुस्लिम समाज की बात करता हूँ तो पढ़ाई लिखाई को लेकर बड़ा मुश्किल, सबका एक नज़रिया रहता है कि आप मदरसे जाइए तो बेहतर है या दुनिया भी एतबार से आप पढ़ें, तो क्या क्या मैसेज क्या होगा फिल्म के अंदर, अगर मैं मैसेज की बात करूं, और इतना सेंसिटिव जब आप सब्जेक्ट चुनते हैं तो विवादों को भी आमंत्रित करते हैं, चाहे वो मौलवी मौलानाओं की तरफ से आ जाएं या राजनेताओं की तरफ से आ जाएं, यू नेवर नो। देखिए इस फिल्म की स्क्रीनिंग मैंने अभी रिलीज से पहले कई सारी जगहों पर गए थे, अभी हम JNU में भी जाने वाले हैं, मैंने इस फिल्म की स्क्रीनिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में की और बड़ा जबरदस्त अनुभव रहा, और ये वजह यही थी कि एक बार समझ में आया कि क्या सामने वाले कहते हैं। आपका जो सवाल था, हालांकि उसका जवाब मुझे बहुत एक लाइन का ही लगता है, जो आपने कहा कि सेंसिटिव, क्योंकि सिनेमा को मुझे ऐसा व्यक्ति है, जिसमें मैंने पहला भी कहा कि जरूर हर बात में जिंदगी में मनोरंजन नहीं हो, सिनेमा बहुत सेंसिटिव माध्यम है। मैं ईरानियन फिल्मों का फैन, मतलब बहुत प्रशंसक हूँ, देखता हूँ ज़्यादा माजिद मजीद जी साहब और सत्यजीत रे जी को मैंने बहुत फॉलो किया है, बहुत उनका सिनेमा देखा और समझा, तो सिनेमा के जरिए बातें, जो खूबसूरत कहानियाँ कही जा सकती हैं वो सेंसिटिव भी हो सकती हैं, ताकि वो एक असर छोड़े एक समाज के ऊपर, अपनी बात कहें, तो ये उसी तरह का सिनेमा है। और जो आपने कहा ना मैसेज क्या हो, मैसेज तो मैंने वही कहा कि ये सिनेमा जो है एक मोटिवेशन है कि आपको लगता है जिंदगी में, और मैंने अलीगढ़ में मुझसे जब सवाल पूछा गया इस तरह का, बहुत हार्श था माहौल वहाँ का, बड़ा कुछ लोग नाराज भी थे उसमें से, कुछ लोग थोड़े से उनको लगा कि प्रोग्रेसिव भी थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं मैं आपको, वहाँ पे होता है ये है कि उन्होंने एक मदरसे से स्कूल की तरफ का कोर्स भी शुरू किया है कि जो बच्चे जो मदरसे में पढ़ने वाले हैं उनको स्कूल में कैसे डाला जाए या वो मुख्य धारा की एजुकेशन से कैसे जुड़े, उसका इस बाकायदे कोर्स शुरू किया। तो वहाँ भी इस तरह की बातें थी, तो लोगों को थोड़ा लगता है, वहाँ एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया इस तरीके से कि भाई मुसलमानों की हालत बड़ी ख़राब है, कैसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। मैंने कहा देखो तुम अभी क्या कर रहे हो, मैंने उसका सवाल का जवाब दिया, मुझे लगता है इसी में आपका जवाब भी शामिल है। मैंने उससे कहा तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर में हूँ। मैंने कहा ये अलीगढ़ शहर है, उसने कहा हाँ। मैंने कहा तुम्हारे पास अभी 4 अटेम्प्ट है, तुम IAS ऑफिसर बन जाओ, अलीगढ़ के DM बन जाओ, अलीगढ़ के SP बन जाओ, बात खत्म हो जाएगी, कौन तुमको परेशान करेगा,
आप कुछ नहीं है इसलिए आपको लोग, अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे, कुछ भी इस तरह हैरेस कर पाएगा आपको ऐसा लगता है तो ये एजुकेशन वाली बात है। जिंदगी आपकी अगर बदल सकती है एजुकेशन से, और यही मुद्दा हमने इस फिल्म के जरिए ध्यान दिया। With all due respect, you know, all the people who are part of this Alif project of yours, star cast kis bina pe zero down kari aapne, aur kya aapko kahin nahi lagta hai, I'm repeating myself, with all due respect to Neelima ji, to Bhavna, Pani, each and everyone, star cast jo bahut zyada commercial success rehti ya bahut kamyab rehti unko agar hissa banate to kuch zyada visibility nahi milti। Nahi dekhiye kya hota hai, main aapko batau zindagi mein kya hota hai, khas taur pe cinema, khas taur pe kahaniyan ye jo hoti hai na, log aapke sath judte chale jate hain, और सिनेमा वही बन पाता है जो मैंने मुंबई में रह के देखा है, जिसके लिए लोग भी सामने से आपको सपोर्ट करते हैं, लोग भी आपसे कहते हैं, देखिए मैं नया डायरेक्टर हूं, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कोई इस बात को कहने में इतराज नहीं कि मैं अभी क्या मैं आप अगर लाइनअप करा दे तो आपके शायद कनेक्शन हो, अब मैं शाहरुख खान को फोन करूं मैं बना रहा हूं फिल्म, आप कीजिएगा, वो करेंगे नहीं करेंगे, ये वही वाली बात है। लेकिन जो सामने से विलिंग है करने के लिए, जिसका एक व्यक्तित्व है, जो अच्छा काम जिसने किया है, उसके साथ काम करना मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। ये टीम वैसी थी, मुझसे ज्यादा विलिंग सामने वाले थे कि नहीं आपकी कहानी अच्छी है, हम आपकी कहानी का हिस्सा बनेंगे। ये एक उनके लिए, मतलब मुझे लगता है उनके, उन्होंने मुझे इज्जत दी इस बात के लिए कि उन्होंने मेरे साथ काम किया, ये मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि उनके लिए, उनके सामने भी मैं नया हूँ। जैसा इन्होंने भी सवाल पूछा कि भावना जी जिस तरह से काम करके, नीलिमा जी का काम दुनिया से छुपा नहीं है, उन्होंने किस तरह से काम किया और कैसे इस फिल्म में बहुत बड़ा किरदार, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है उसमें, जो कि अब तक छुपा था, जब फिल्म आएगी तो लोगों को पता चलेगा, क्योंकि उस कहानी में हमने थोड़ा सा भी अंडर प्ले किया है पब्लिसिटी में, लेकिन जब निकल के चीजें आएंगी तो लगेगा कि इसकी फिल्म बहुत कैसी। ये वो वाली बात है, उन्होंने भी इज्जत दी मुझे, और धीरे धीरे सिनेमा बनता है, धीरे धीरे ग्रो होगा तो फिर आगे भी अच्छी चीजें बनेंगी। जी नीलिमा जी, आपसे मेरा सवाल है, ऐसा क्या खास लगा यू सेड यस टू द फिल्म एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ द फिल्म आलिया? सॉरी व्हाट आई एम सेइंग इज, क्या ऐसा खास लगा आपने, आप इस फिल्म का हिस्सा बनी, कोई ऐसी खास बात जिसके लिए आपने कहा कि यस आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आलिया? सबसे पहले तो ये एक एक्टर के पास जब एक डायरेक्टर आता है या राइटर उसके साथ होता है, तो आप उसी वक्त समझ जाते हैं कि उसके अंदर कितना जुनून है और उसका नज़रिया क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, विजन क्या है सिनेमा का, और कहानी जो है उसका मुद्दा बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत खूबसूरती से लिखा है ज़रा, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, के सैगम ने बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ, और ये मुद्दा जो है ये वाकई पॉलिटिकली सोशली बहुत सेंसिटिव है, उसको इतना बखूबी इन्होंने लिखा और इतनी ऑनेस्टी के साथ और ईमानदारी के साथ, इतनी मोहब्बत से इन्होंने, इतनी मुश्किल फेस करते हुए इन्होंने अपने किरदार जो है उनको जागृत किया और अपनी बात कही। अली छोटा सा बच्चा है, उसकी कहानी है और उसके इर्द गिर्द जो उसके ख़ानदान के लोग हैं और जो वो फेस करता है सिर्फ इल्म पाने के लिए, पढ़ाई के लिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पिछड़े हुए जो इलाके हैं वहाँ तक ये फिल्म पहुँचे इंशाल्लाह, और वो लोग समझें कि टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बात यह है कि हम अपने दिमागों को किस तरह से रोशन करें और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। तो ये बहुत ज़रूरी थी, ये फिल्म बहुत ज़रूरी है। आजकल जो हमारा माहौल है और ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे एडुकेशन जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, तो मेरे ख्याल में तो वी शुड अपलॉड ज़ैगम फॉर टेकिंग द हैविंग द करेज एंड टेकिंग इट अपॉन हिमसेल्फ टू टेक फॉरवर्ड द फैक्ट दैट एवरी चाइल्ड इन दिस कंट्री शुड बी एजुकेटेड। थैंक यू सो मच। जी उसके लिए हमने, मैं दिल्ली में ऑडिशन कर रहा था मैं काफ़ी, और दिल्ली लखनऊ बनारस में चुकी मुझे शूटिंग करने की, वहाँ पर हम दो तीन महीने से लगे हुए थे कि कुछ अच्छा मिल जाए उस फ्लुएंसी के साथ, जिसकी बात अच्छी हो, थोड़ा दिखने में वैसा हो, जिसके साथ लोग कनेक्ट कर सकें। ठीक, यही सबसे बड़ी मुहिम थी हमारी बच्चे को ढूंढने में। फिर सडनली मेरे एक दोस्त हैं कास्टिंग डायरेक्टर, उनका फ़ोन आया कि यार एक लड़का है, देखते हैं कैसे उसके साथ करना है। तो फिर मैं उससे मिला, सऊद है, मोहम्मद सऊद के हैं, इन्होंने काम किया है काफ़ी वैसे टीवी में, और तो मैंने उस इनका काम मैंने देखा नहीं। तो फिर जब मैं इनसे मिला
तो फिर इनको ट्रेन करने में तो खैर बड़ी मजा आया और हमने कई सारी वर्कशॉप की लगातार और इनको बनारस में भी हमने काफी कैसे वहाँ के बच्चे चलते हैं कैसे करते हैं मदरसे के बच्चे हैं और ये अच्छी चीज़ थी कि ये मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ें पता भी थी कि मैनरिज्म क्या होता है कैसे चलते हैं क्या करते हैं तो ये प्रोसेस था जो हमने कई शहरों की और फाइनली फिर हम तलाश हमारी मुंबई में ही पूरी ये रहा जी मेरा सवाल नीमा जी से है जी मैम अलीफ मूवी के जरिए आपने दोबारा से इंडस्ट्री में कमबैक किया है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे बस आप लोगों का साथ चाहिए मोहब्बत चाहिए और दिल में बस एक ही ख्याल है कि आप लोग फिर इश्क करें मुझसे और जैगम ने मुझे ये मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जैगम बहुत ही प्यारा किरदार मिला मुझे और कोशिश की है उससे बहुत जी थैंक यू मेरा डायरेक्टर साहब से सवाल हो सकता है मेरा सवाल कुछ विवादित हो लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में आपको ये सब सामना करना पड़ सकता है जैसे आपने कहा कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में फिल्म को दिखाया और वहां पे प्रतिक्रिया दी आने वाले वक्त में क्योंकि मदरसे की बात कर रहे हैं मदरसे की तालीम की बात कर रहे हैं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में कोई मौलाना या मौलवी उठ के आपके फतवा जारी कर दे क्या ऐसा कुछ प्लान किया है कि उन्हें भी फिल्म दिखाई जाए बात होती है क्या मसला क्या होता है मसला ये होता है कि दो चीजें होती है कि आप किस चश्मे से किस चीज को देखते हैं एक चीज होती है नेगेटिविटी से देखना एक चीज होती है पॉजिटिविटी से देखना तो इस फिल्म के साथ सबसे बड़ा चीज इसका चश्मा बड़ा पॉजिटिव है ये बहुत ही पॉजिटिव चीजों को दिखाने की कोशिश है तो इसलिए बड़ा मुश्किल है एतराज करना किसी का वो मुझे लगता नहीं इस तरह की कोई बात निकल के सामने है नीलिमा जी माफी चाहूंगा आपको उठना पड़ेगा मेरा आपसे सवाल जैसे आपने कहा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर लिहाज से अलिफ के जरिए हम एजुकेशन की क्या अहमियत है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं खास करके हिंदुस्तान के पिछड़े इलाकों में दूर दराज के गांव शाहिद खुद भी एक फादर बन गए हैं उनके भी घर में एक बच्चा है तो क्या आने वाले वक्त में हम शाहिद को अलिफ प्रमोट करते हुए देखेंगे क्योंकि एजुकेशन की बात है छोटी सी एक एक्ट्रेस है जिसका नाम नीलिमा अजीम है और वो मेरा बेटा है वो क्या करना चाहेंगे वो मेरे हाल में ऑलरेडी दिखा रहे हैं कि बहुत ही अच्छी फिल्में कर रहे हैं तो अलिफ क्यों नहीं करेंगे वो उनके पास जाएगी तो जरूर करेंगे लेकिन ये अलिफ का प्रमोशन है और अब अलिफ की बात बैठो जी इंटरनेशनल सिनेमा तो नहीं किया लेकिन इंटरनेशनल थिएटर बहुत किया है मेरा एक शो ब्रॉडवे म्यूजिकल टाइप है भारतीय वहाँ पर बहुत काम किया है तो इंटरनेशनल स्तर पे काम करके एक एक्सपोजर मिलता है आप ट्रैवल करते हैं आप अलग अलग कल्चर से लोगों को मिलते हैं और आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड और वो एक्सपीरियंस आप यहाँ लेकर आते हैं आप वर्ल्ड सिनेमा को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर आप आकर भारत में काम करते हैं यू रियलाइज कि हमारा सिनेमा किसी और सिनेमा से कम नहीं है और एंड इट्स जस्ट एब्सोल्युटली एट पार विद एवरीथिंग एल्स जी हाँ मेरी प्रकाश झा जी की फिल्म ब्रॉड सैया ऑपोजिट अरशद वारसी शुड बी रिलीजिंग इन 2017 मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा आपने सुना है ना जब हम इस तरह का ट्रेलर ट्रेलर इज रियली अमेजिंग नॉट ओनली मी ईच एंड एवरीवन सिटिंग इन द प्रमाइसेस एग्री विद दिस अब ये सेंसिटिव मुद्दा चुनने की कोई खास वजह जब हम पैगाम की बात करते हैं जैसे आपने कहा कि मेरी एक हर फिल्म एक मैसेज कैरी करती है इससे पहले जो 2000 आई थी वो और उसके बाद जो आप लेके आ रहे हैं
और मैं जब मुस्लिम समाज की बात करता हूँ तो पढ़ाई लिखाई को लेकर बड़ा मुश्किल सबका एक नजरिया रहता है कि आप मदरसे जाइए तो बेहतर है या दुनिया भी एतबार से आप पढ़े, तो क्या क्या मैसेज क्या होगा फिल्म के अंदर अगर मैं मैसेज की बात करूँ? और इतना सेंसिटिव जब आप सब्जेक्ट चुनते हैं तो विवादों को भी आमंत्रित करते हैं, चाहे वो मौलवी मौलानाओं की तरफ से आ जाएं या राजनेताओं की तरफ से आ जाएं, यू नेवर नो। देखिए इस फिल्म की स्क्रीनिंग मैंने अभी रिलीज से पहले कई सारी जगहों पे गए थे, अभी हम जेएनयू में भी जाने वाले हैं। मैंने इस फिल्म की स्क्रीनिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में की और बड़ा जबरदस्त अनुभव रहा, और ये वजह यही थी कि एक बार समझ में आया कि क्या सामने वाले कहते हैं। आपका जो सवाल था, हालांकि उसका जवाब मुझे बहुत एक लाइन का ही लगता है, जो आपने कहा कि सेंसिटिव, क्योंकि सिनेमा को मुझे ऐसा व्यक्ति है जिसमें मैंने पहला भी कहा कि जरूर हर बात में जिंदगी में मनोरंजन नहीं होता, सिनेमा बहुत सेंसिटिव माध्यम है। मैं ईरानियन फिल्मों का फैन, मतलब बहुत प्रशंसक हूँ, देखता हूँ ज़्यादा माजिद मजीद जी साहब और सत्यजीत रे जी को मैंने बहुत फॉलो किया है, बहुत उनका सिनेमा देखा और समझा। तो सिनेमा के जरिए बातें, जो खूबसूरत कहानियाँ कही जा सकती हैं, वो सेंसिटिव भी हो सकती हैं ताकि वो एक असर छोड़े एक समाज के ऊपर, अपनी बात कहें, तो ये उसी तरह का सिनेमा है। और जो आपने कहा ना मैसेज क्या हो, मैसेज तो मैंने वही कहा कि ये सिनेमा जो है एक मोटिवेशन है कि आपको लगता है जिंदगी में। और मैंने अलीगढ़ में, मुझसे जब सवाल पूछा गया इस तरह का, बहुत हार्श था माहौल वहाँ का, बड़ा कुछ लोग नाराज भी थे उसमें से, कुछ लोग थोड़े से उनको लगा कि प्रोग्रेसिव भी थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं मैं आपको, वहाँ पे होता है ये है कि उन्होंने एक मदरसे से स्कूल की तरफ का कोर्स भी शुरू किया है कि जो बच्चे जो मदरसे में पढ़ने वाले हैं उनको स्कूल में कैसे डाला जाए या वो मुख्य धारा की एजुकेशन से कैसे जुड़े, उसका इस बाकायदे कोर्स शुरू किया। तो वहाँ भी इस तरह की बातें थी, तो लोगों को थोड़ा लगता है। वहाँ एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया इस तरीके से कि भाई मुसलमानों की हालत बड़ी ख़राब है, कैसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। मैंने कहा देखो तुम अभी क्या कर रहे हो, मैंने उसका सवाल का जवाब दिया, मुझे लगता है इसी में आपका जवाब भी शामिल है। मैंने उससे कहा तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर में हूँ। मैंने कहा ये अलीगढ़ शहर है, उसने कहा हाँ। मैंने कहा तुम्हारे पास अभी चार अटेम्प्ट है, तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ, अलीगढ़ के डीएम बन जाओ, अलीगढ़ के एसपी बन जाओ, बात खत्म हो जाएगी, कौन तुमको परेशान करेगा, आप कुछ नहीं है। इसलिए आपको अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे, तो कोई थोड़ी इस तरह हैरेस कर पाएगा आपको ऐसा लगता है। तो ये एजुकेशन वाली बात है, जिंदगी आपकी अगर बदल सकती है एजुकेशन से, और यही मुद्दा हमने इस फिल्म के जरिए ध्यान दिया। With all due respect, you know, all the people who are part of this Alif project of yours, star cast kis bina pe zero down kari aapne, aur kya aapko kahin nahi lagta hai, I'm repeating myself, with all due respect to Neelima ji, to Bhavna, Pani, each and everyone, star cast jo bahut zyada commercial success rehti ya bahut kamyab rehti unko agar hissa banate to kuch zyada visibility nahi milti? Nahi, dekhiye kya hota hai, main aapko batau, zindagi mein kya hota hai, khas taur pe cinema, khas taur pe kahaniyan ye jo hoti hai na, log aapke sath judte chale jate hain, और सिनेमा वही बन पाता है जो मैंने मुंबई में रह के देखा है, जिसके लिए लोग भी सामने से आपको सपोर्ट करते हैं, लोग भी आपसे कहते हैं। देखिए मैं नया डायरेक्टर हूं, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कोई इस बात को कहने में इतराज नहीं कि मैं अभी क्या, मैं आप अगर लाइनअप करा दे तो आपके शायद कनेक्शन हो, अब मैं शाहरुख खान को फोन करूं मैं बना रहा हूं फिल्म, आप कीजिएगा, वो करेंगे नहीं करेंगे, ये वही वाली बात है। लेकिन जो सामने से विलिंग है करने के लिए, जिसका एक व्यक्तित्व है, जो अच्छा काम जिसने किया है, उसके साथ काम करना मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। ये टीम वैसी थी, मुझसे ज्यादा विलिंग सामने वाले थे कि नहीं आपकी कहानी अच्छी है, हम आपकी कहानी का हिस्सा बनेंगे। तो ये एक उनके लिए, मतलब मुझे लगता है उनके, उन्होंने मुझे इज्जत दी इस बात के लिए कि उन्होंने मेरे साथ काम किया, ये मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि उनके लिए, उनके सामने भी मैं नया हूँ। जैसा इन्होंने भी सवाल पूछा कि भावना जी जिस तरह से काम करके, नीलमा जी का काम दुनिया से छुपा नहीं है, उन्होंने किस तरह से काम किया और कैसे इस फिल्म में बहुत बड़ा किरदार, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है उसमें, जो कि अब तक छुपा था, जब फिल्म आएगी तो लोगों को पता चलेगा, क्योंकि उस कहानी में हमने थोड़ा सा भी अंडर प्ले किया है पब्लिसिटी में, लेकिन जब निकल के चीजें आएंगी तो लगेगा कि किसकी फिल्म और कैसी, ये वो वाली बात है। उन्होंने भी इज्जत दी मुझे, और धीरे धीरे सिनेमा बनता है, धीरे धीरे ग्रो होगा तो फिर आगे भी अच्छी चीजें बनेंगी। जी नीलिमा जी, आपसे मेरा सवाल है, ऐसा क्या खास लगा यू सेड यस टू द फिल्म एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ द फिल्म आलिफ? सॉरी व्हाट आई एम सेइंग इज, क्या ऐसा खास लगा आपने, आप इस फिल्म का हिस्सा बनी, कोई ऐसी खास बात जिसके लिए आपने कहा कि यस आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आलिफ? सबसे पहले तो ये एक एक्टर के पास जब एक डायरेक्टर आता है या राइटर उसके साथ होता है, तो आप उसी वक्त समझ जाते हैं कि उसके अंदर कितना जुनून है और उसका नज़रिया क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, विजन क्या है सिनेमा का, और कहानी जो है उसका मुद्दा बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत खूबसूरती से लिखा है ज़रा, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, के सैगम ने बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ, और ये मुद्दा जो है ये वाकई पॉलिटिकली सोशली बहुत सेंसिटिव है, उसको इतना बखूबी इन्होंने लिखा और इतनी
ऑनेस्टी के साथ और ईमानदारी के साथ इतनी मोहब्बत से इन्होंने इतनी मुश्किलात फेस करते हुए इन्होंने अपने किरदार जो है उनको जागृत किया और अपनी बात कही। अली छोटा सा बच्चा है, उसकी कहानी है और उसके इर्द गिर्द जो उसके ख़ानदान के लोग हैं और जो वो फेस करता है सिर्फ इल्म पाने के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पिछड़े हुए जो इलाके हैं वहाँ तक ये फिल्म पहुँचे इंशाल्लाह, और वो लोग समझें कि टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बात यह है कि हम अपने दिमागों को किस तरह से रोशन करें और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। तो ये बहुत ज़रूरी थी, ये फिल्म बहुत ज़रूरी है। आजकल जो हमारा माहौल है और ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे एडुकेशन जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, तो मेरे ख्याल में तो वी शुड अपलॉड ज़ैगम फॉर टेकिंग द हैविंग द करेज एंड टेकिंग इट अपॉन हिमसेल्फ टू टेक फॉरवर्ड द फैक्ट दैट एवरी चाइल्ड इन दिस कंट्री शुड बी एजुकेटेड। थैंक यू सो मच। जी, उसके लिए हमने, मैं दिल्ली में ऑडिशन कर रहा था मैं काफ़ी, और दिल्ली लखनऊ बनारस में चुकी मुझे शूटिंग करने की, वहाँ पर हम 2-3 महीने से लगे हुए थे कि कुछ अच्छा मिल जाए उस फ्लुएंसी के साथ, जिसकी बात अच्छी हो, थोड़ा दिखने में वैसा हो, जिसके साथ लोग कनेक्ट कर सकें। ठीक, यही सबसे बड़ी मुहिम थी हमारी बच्चे को ढूंढने में। फिर सडनली मेरे दोस्त हैं कास्टिंग डायरेक्टर, उनका फ़ोन आया कि यार एक लड़का है, दिखते हैं कैसे उसके साथ करना है। तो फिर मैं उससे मिला, सऊद है, मोहम्मद सऊद ये हैं, इन्होंने काम किया है काफ़ी वैसे टीवी में, और तो मैंने इनका काम मैंने देखा नहीं। तो फिर जब मैं इनसे मिला तो फिर इनको ट्रेन करने में तो खैर बड़ा मज़ा आया, और हमने कई सारी वर्कशॉप की लगातार, और इनको बनारस में भी हमने काफ़ी कैसे वहाँ के बच्चे चलते हैं, कैसे करते हैं, बनारस के बच्चे हैं, और ये अच्छी चीज़ थी कि ये मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं, तो इनको बहुत सारी चीज़ें पता भी थी कि मैनरिज्म क्या होता है, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं। तो ये प्रोसेस था जो हमने कई शहरों की, और फाइनली फिर हम तलाश हमारी मुंबई में ही पूरी। जी, मेरा सवाल नीमा जी से है। जी मैम, अलीफ मूवी के जरिए आपने दोबारा से इंडस्ट्री में कमबैक किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बस आप लोगों का साथ चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और दिल में बस एक ही ख्याल है कि आप लोग फिर इश्क करें मुझसे, और ज़ैगम ने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम। बहुत ही प्यारा किरदार मिला मुझे और कोशिश की है उससे बहुत। जी थैंक यू। मेरा डायरेक्टर साहब से सवाल है, हो सकता है मेरा सवाल कुछ विवादित हो, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में आपको ये सब सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपने कहा कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में फिल्म को दिखाया और वहां पे प्रतिक्रिया दी, आने वाले वक्त में, क्योंकि मदरसे की बात कर रहे हैं, मदरसे की तालीम की बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में कोई मौलाना या मौलवी उठ के आपके फतवा जारी कर दे, क्या ऐसा कुछ प्लान किया है कि उन्हें भी फिल्म दिखाई जाए? बात होती है क्या, मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि दो चीजें होती है कि आप किस चश्मे से किस चीज को देखते हैं। एक चीज होती है नेगेटिविटी से देखना, एक चीज होती है पॉजिटिविटी से देखना। तो इस फिल्म के साथ सबसे बड़ा चीज, इसका चश्मा बड़ा पॉजिटिव है, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ों को दिखाने की कोशिश है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है एतराज़ करना किसी का। वो मुझे लगता नहीं इस तरह की कोई बात निकल के सामने है। नीलिमा जी, माफी चाहूंगा, आपको उठना पड़ेगा, मेरा आपसे सवाल जैसे आपने कहा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर लिहाज से अलिफ के जरिए हम एजुकेशन की क्या अहमियत है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके हिंदुस्तान के पिछड़े इलाकों में, दूर दराज के गांव। शाहिद खुद भी एक फादर बन गए, उनके भी घर में एक बच्चा है, तो क्या आने वाले वक्त में हम शाहिद को अलिफ प्रमोट करते हुए देखेंगे? क्योंकि एजुकेशन की बात है, इज ऑलवेज देयर फॉर अ कॉज व्हिच इज गुड। हाउ कैन आई गिव अ रिप्लाई टू दैट? ये अलिफ, ये हम यहां हैं
is there any possibility because it's a social cause about education. छोटी सी एक एक्ट्रेस है जिसका नाम नीलमा सिंह है और वो मेरा बेटा है. वो क्या करना चाहेंगे? वो मेरे ख्याल में ऑलरेडी दिखा रहे हैं कि बहुत ही अच्छी फिल्में कर रहे हैं. तो अलिफ क्यों नहीं करेंगे? वो उनके पास जाएगी तो जरूर करेंगे. लेकिन ये अलिफ का प्रमोशन है और अब अलिफ की